जैसलमेर में क्रिकेट टीम के नाम पर बवाल मच गया है। क्रिकेट टीम का नाम तालिबान क्रिकेट क्लब के नाम पर रखा गया। लोगों की आपत्ति के बाद क्लब को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और आयोजकों को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। तालिबान और क्रिकेट मैच, तालिबान और क्रिकेट मैच दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता, लेकिन राजस्थान के सरहदी इलाके में तालिबान और क्रिकेट के घाल मेल ने बवाल मचा दिया। ये वीडियो जैसलमेर के एक क्रिकेट टूर्नामेंट का है। जैसलमेर के जेसुराना गांव में हर साल की तरह इस साल भी यहां स्वर्गीय अलादीन के नाम से क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। इसमें खेल रही एक टीम का नाम तालिबान क्रिकेट क्लब था। तालिबान नाम के क्रिकेट क्लब होने की खबर जैसे ही फैली, बवाल मच गया। जैसलमेर पाकिस्तान से सटा इलाका है। सवाल उठना लाजमी था कि ऐसे संवेदनशील इलाके में तालिबानी प्रेमी कौन है। बवाल मचा तो क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों ने उस क्लब को अपने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, साथ ही उसका नाम भी हटा दिया। उधर पुलिस को जानकारी मिली तो सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजकों की जमकर क्लास लगाई। बाद में आयोजकों ने थाने में आकर लिखित में माफी मांगी। गलती मानते हैं और आधा टूर्नामेंट जाने के बाद हमने ध्यान दिया उस टीम के बारे में, तो उस टीम का नाम था तालिबान। हम टीम को हटा दिया, नाम को हटा दिया, हमने उस ग्रुप से उस टीम का नाम हटा दिया। हम उस टीम को ना इस गांव में बैन कर दिया, खेलेंगे ना इस गांव में आने देंगे, ना इस गांव को एंट्री देंगे। आयोजनकर्ताओं की तरफ से हम आयोजनकर्ता सभी देशवासियों जिले वासियों से माफी चाहते हैं। एक बार हमें उन्हें माफ करें, आइंदा से ऐसी हम कभी नहीं गलती करेंगे। बहुत पुरानी कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर क्रिकेट क्लब का नाम तालिबान नहीं होता तो ये बवाल नहीं होता। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक।